in regard to what we're talking about right now, and I'd like to cite an example from Mahabharata, where Arjun is on the battlefield and he's about to embark on one of mythology's greatest battles. And Krishna unhe kehte hai ki at this point, galat aur sahi ka faisla mat kijiye, jo aapka karm hai, wahi kijiye. So for me, right and wrong is very relative. Because like the meaning of success, people have said, right and wrong differs from people. Also, I think ki agar hume kuch achieve karna hai, so it is achievement. It is our hard work towards that that matters. Success is a label given by society. I can possibly do something and reach great heights in it. But agar koi aur kahe ki haan, ye successful hai, that's up to them. So I don't think success is a state or a destination or a... Or something we need to reach. I think it's a label given by other people. Yes. That's a very, very different point of view. Kisi ne kaha ke saab, meri takdeer hi kaam nahi karti hai saath mein. Maine badi mehnat ki, lekin takdeer saath nahi deti. Kya karun? Aisi chitthiyan aati, bahut chitthiyan aati. Bahut se log poochte hain, to main kya karun? To mera ek hi jawab hota hai, bhai, apne aap par vishwas karo. Apne aap par bharosa karo. अपना विश्वास मत खो. तकदीर और तदबीर दोनों साथ चलती हैं. मेरे साथ बहुत बार कई लोग बहस करते हैं, नहीं साहब 90% तो तकदीर का काम है, 10% ही केवल मेहनत है. अच्छा भाई, क्यों झगड़ा करें? तो 90% मानते हो, 90% मानो. लेकिन ये बात, हाउ विल यू बिलीव कि भैया 90% जो है वो 10% के बिना जीरो है. 10% मेहनत जो कर रहे हो वो अगर नहीं की आपने, तो 90% तकदीर जो है वो जीरो के बराबर है. ये मानते हो? हाँ जी, ये तो मानते हैं. तो चलिए, ये मान लीजिए तो दोनों चीज करेंगे. जी बताइए. सर, आई वांट टू मेक वन पॉइंट. वी वर टॉकिंग अबाउट हर्डल्स इन सक्सेस, एंड आपने मेंशन किया था देश का सक्सेस. तो आई थिंक इंडिया एज अ कंट्री needs to first get over the mindset of gender bias. So as soon as jis din wo mindset hum overcome kar lenge, sir, I think as a country we will all be successful. Bahut achhi baat aapne kahi. Ye kuch piche karyakramon mein main keh chuka hu, samasya ye hai ki aap women hote hue aap apne aap ko kamzor samajhti. वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी. यहाँ पे आप लोग जो कह रहे हैं इसको रजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन कलेक्टिवली ये देखने में आता है जगह जगह वो अपने आप को किसी न किसी कहीं ना कहीं कमजोर समझने लग जाती. सो दैट माइंड सेट एग्जिस्टेड बिफोर, बट अभी आई थिंक इट्स चेंजिंग बिग टाइम. सो इट्स चेंजिंग, इट इज स्टिल नॉट चेंजिंग. मैं आपका ही वकील हूँ, मानिए मेरी बात, क्योंकि मुझे, मैं भी सक्सेसफुल हूँ क्योंकि मेरे को अच्छी पत्नी मिली, उसने मेरा साथ दिया, उसने मेरे को आगे बढ़ने का मौका दिया. शी सफर्ड अ लॉट बट शी स्टिल नेवर क्रिप्ड अबाउट इट. इसलिए बल्कि मैं कहता हूँ कि लेडीज़ के पास ज़्यादा सहन शक्ति है, ज़्यादा ताकत है, वो इंसान से ज़्यादा मजबूत है. लेकिन समाज का ढांचा ऐसा बना हुआ है, आज मेरी पत्नी फिर भी मेरे पर निर्भर करती है. क्यों? वो क्यों निर्भर करे मेरे पर? ये समस्याएं हैं, समाज उस तरह से नहीं देखता है. ये बात सही कही उन्होंने. हाँ, आप बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर, व्हाट यू सेड, लाइक जब हम मेहनत करते हैं और हमको सक्सेस नहीं मिलती है तो हम अपनी किस्मत को बोलते हैं कि हमारी किस्मत ख़राब है. बट द थिंग इज़ व्हेन वी फेल, हम लोग बोलते हैं कि हमारी किस्मत ख़राब है. वी नेवर लुक इन टू आर वीकनेस, द मिस्टेक्स व्हाट वी डिड. जब फेलियर हुआ तो किस्मत ख़राब, भगवान ने कर दिया. कामयाबी हुई तो बोला देखो मैं कितना होशियार हूँ. है दोनों हाथों से शाबाशी देते हैं सर. हम लोग अपनी गलतियां नहीं देखते, तब तकदीर नहीं दिखती. हाँ सर, हम लोग अपनी गलतियां नहीं देखते, हम उन पर पर्दा डालते कि ठीक है जो भी फेलियर था वो मेरी किस्मत की वजह से था. बट इंस्टेड ऑफ हम अपनी किस्मत को दोष दें, हम लोग अपनी कमियां अगर निकाल के पूरी तरह से वापस मेहनत कर उनको रेक्टिफाई करके करें, तो आई एम श्योर नेक्स्ट टाइम तो सक्सेस मिल ही जानी है. हमने रिकग्निशन की बात करी, खुद पे विश्वास रखने की बात करी, तो मुझे एक एग्जाम्पल याद आया. कैलाश सत्यरथी हुज़ वन द नोबेल पीस प्राइज़, मोस्ट ऑफ अस हम उन्हें नहीं जानते थे इससे पहले, एंड ही इज़ वर्कड फॉर 37 ईयर्स और इतना कुछ अचीव करा है उन्होंने. तो इट वॉज़ बिकॉज
कि उनको अपने पे विश्वास था कि उन्होंने इतना कुछ अचीव करा और उनको इतने टाइम बाद रिकग्निशन मिला. ही वॉजन लॉन्गिंग फॉर रिकग्निशन, ही वर्कड हार्ड बिकॉज ही बिलीव्ड इन हिमसेल्फ. सो आई थिंक दैट्स व्हाट मैटर्स. या वेरी गुड, आपने एग्जांपल उदाहरण दिया उनका. उनके उनसे भी हमारे लोगों की बातचीत हुई काफ़ी, हम लोगों ने किया. कैच पॉइंट इज के वो ही वॉज नॉट लॉन्गिंग फॉर द रिकग्निशन. उनको उसकी भूख नहीं थी, उसकी इच्छा नहीं थी. जी सर, मेरे हिसाब से अगर हम देखें तो इंडिया, एक इंडिया, उसको हम लोगों ने इतने हिस्सों में बांट दिया है, अलग अलग जाति में, अलग अलग धर्म से. तो ये सबसे एक मेन प्रॉब्लम है जो कि हमारी सक्सेस की रुकावट के बीच में आती है. एक तरीके से अगर हम धर्म को देखें तो सब लोग क्या, इंडिया में क्या है, मुस्लिम्स, हिंदू, सिख, ईसाई, सब एक दूसरे से क्या है कि आपस में कहीं ना कहीं उनके बीच में बैर सा बना रहता है. तो एक तो पहली चीज़ यह है कि जो हमारी सक्सेस के बीच में आती है, रोड़ा बनती है. दूसरी चीज़, हम लोगों ने उसको, एक तो पहले हम लोगों ने उसको धर्म में बांटा, उसके बाद उसको जातियों में बांट दिया. तो उसके बाद क्या है कि अगर एक जनरल कैटेगरी का बंदा है वो अच्छा है, पढ़ने लिखने में अच्छा है, सक्सेसफुल है सर, आओ क्या है कि, और उसके बाद IIT का एक एग्ज़ाम देता है, तो उसमें क्या प्रेफरेंस होती है कि वो एक OBC वाला बंदा उसको वहाँ पर दिया जाता है. तो एजुकेशन और सक्सेस के बीच में अगर हम बात करें तो हमें ये सब चीज़ों में डिवाइड नहीं करना चाहिए, और इंडिया को पूरे एक इंडिया लेवल पर देखना चाहिए, तो शायद ये होना चाहिए. देखिए, मैं, मेरा ख्याल से ये प्रश्न यदि भारतवर्ष के प्रधानमंत्री को भी अगर सॉल्व करना पड़े तो शायद वो भी सॉल्व ना कर पाए आज के दिन की स्थिति. लेकिन दूसरा एक प्रश्न मैं आपसे ही पूछता हूँ. आप यहाँ पे बहुत अलग अलग धर्मों के लोग होंगे, क्या आपका आपस में कुछ वैर रहता है? कहाँ है ये? मैं पूरे देश भर में जगह जगह घूमता हूँ, बहुत प्रकार के लोगों से मिलना होता है. कहीं किसी के मन में भी आपस में कोई रत्ती भर वो नहीं है. वो आता केवल जब कलेक्टिवली कुछ बात आती है तो वहाँ पे आदमी कहता है नहीं यार, मेरे समाज के साथ ऐसा हो रहा है, मेरे लोगों के साथ ऐसा हो रहा, सुनी सुनाई बातों पे. तो ऐसा कुछ नहीं है. इस बात को हम जितना भूलेंगे उतना अच्छा रहेगा. दूसरा रहा कि साहब कुछ रिजर्वेशन एजुकेशन सेक्टर में, किसी में भी, नौकरियों में भी है, तो शायद किसी ने जब वो किया होगा, आखिरकार पूरी पार्लियामेंट ने उसको, इनको रिजर्वेशन दिया, कुछ ना कुछ सोच के, सब ने सोच के किया होगा, मेजोरिटी ने सोच के किया होगा. कहीं ये भी तो हो सकता है कि हमने कहीं जाने अनजाने में पिछड़ी हुई जातियों को पूरा जो उनको उनका ड्यू था वो नहीं दिया होगा, किसी समय में वो पिछड़े रह गए, उनको आगे लाने के लिए कुछ चीज़ें कर रहे हैं. सब हम अपने बारे में सोच रहे हैं, मेरी सक्सेस, माई पेरेंट्स थिंक ऑफ माई सक्सेस, माई ब्रदर थिंक्स ऑफ माई सक्सेस, ही थिंक्स ऑफ हिज सक्सेस. एवरीबडी इज सो ड्रिवन बाई दिस वर्ल्ड कॉल्ड सक्सेस, एंड दे आर मेकिंग इट सो सब्जेक्टिव, दे आर मेकिंग इट अबाउट देमसेल्फ. कि इवन थिंग्स लाइक रिजर्वेशन, बिकॉज आई कम फ्रॉम SC कम्युनिटी, एंड इफ नॉट फॉर द रिजर्वेशन आई डोंट नो वेदर आई वुड हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस आई हैव फॉर UG एंड फॉर PG. So, in a common platform, this is a humble request to anybody who's sitting here and everybody who's sitting here. Before talking about such sensitive issues called reservations, please think once, because a lot of them, at least from the place I come, are depending on this thing called reservation. And if you think it's coming in the way of your success, I think you are failing right there. So, yeah, that's about it. Thank you. जबकि आपकी बात को हम सहमत हैं, मैंने जवाब भी, आपने मेरा जवाब भी सुना होगा, लेकिन साथ में एक बात और मैं कहना चाहूँगा आपको कि कुछ सब्जेक्ट सेंसिटिव नहीं हैं. हम सेंसिटिव कहते कहते जो सच्चाई है उसको अगर दबाएंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा. उसको निकलने दीजिए, समस्याओं को निकलने दीजिए, जिसकी जो मन में विचार है वो निकलने दीजिए. जो निकलेगा तो ही उसका कम्युनिकेशन होगा. तो ये एक चीज़ है ऐसी कि जब भी दो व्यक्तियों के बीच में प्रॉब्लम्स होती हैं, समस्याएं होती हैं, तो दोनों ही आदमी उस सक्सेस से लूज़ कर जाते हैं. और लेकिन अगर वो आपस में बात कर लें तो बात समझ में आ जाती है एक दूसरे की, ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी चलती है. डायलॉग कंटिन्यूएशन इज़ अ मस्ट. हमको कोई भी चीज़ छुपा के रखने में, जहाँ हम छुपाते हैं
अपने माँ बाप से आप कुछ चीज़ छिपा के देख लीजिए, दोस्तों से छुपा के देख लीजिए, कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। किसी के दिल को आप दुखी करते हैं, आपको मन में ही बाद में ग्लानी होगी कि यार मैंने किसी का दिल दुखाया, अच्छा नहीं किया। तो जो अंदर की अंतरात्मा है, यदि आप मानते हैं उसको, दैट्स अ बिगेस्ट लेवलर, दिस इज माई बिलीफ। एंड नो मैटर वेयर आई एम बॉर्न विद, आई एम स्टिल अ ह्यूमन बीइंग, एंड लेट्स गो बाय दैट।